नाश्नतः पथ्यमेवानम व्याधयो भवन्ति एवं नियमकृत राजन शनैः क्षेमाय कल्पते। न नहीं अश्नता खाने वाला, पथ्यम उपयुक्त, एव निसंदेह, अन्नम भोजन, व्याधय विभिन्न प्रकार के रोग अभिभवंती घेर लेते हैं ही निसंदेह, एवं इसी प्रकार नियमकृत नियमों का पालन करने वाला राजन हे राजा शनैः धीरे धीरे क्षेमाय कल्याण के हेतु कल्पते स्वस्थ हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे राजा, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और तब रोग की छूत उसे छू तक नहीं पाती। इसी तरह यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। दोहराइए। हे राजा, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और तब रोग की छूत उसे छू तक नहीं पाती। इसी तरह यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमों से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तात्पर्य, भले ही मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करता रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा तथा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेयस्कर है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ रहता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान की यह दूसरी अवस्था है। एनेर अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पतंत्यधो न धृतजुष्मयांग्रय। अज्ञानवश मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं किए रहता। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और वे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अति सतर्कतापूर्वक कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और श्रोता हैं परीक्षित महाराज। बीच बीच में परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। तो 5वें स्कंध तक कथा सुन करके महाराज परीक्षित पूछते हैं, कहते हैं कि हे गुरु, आपने पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया 2रे स्कंध में, जिसमें ब्रह्मा जी के मुक्ति का वर्णन है, और इसके साथ सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी आपने वर्णन किया। और 3रे स्कंध से फिर आपने प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। और 4थे स्कंध में भी और 5वें स्कंध में महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। और वंश वर्णन में ही आपने इस संसार का विश्व रचना का वर्णन किया। विविध लोक हैं, नीचे के पाताल लोक आदि, और ऊपर के भी बहुत लोग हैं, इन सबका आपने वर्णन किया। इसके साथ साथ विभिन्न लोकों में कौन कौन पर्वत हैं, नदियाँ कौन कौन हैं, और उद्यान बड़े बड़े कौन हैं, इसका भी वर्णन किया। और अंत में आपने नरक का वर्णन किया, नरकों के लक्षण और नरकों में कौन लोग जाते हैं, इसका वर्णन किया। अब मैं यह प्रश्न करता हूं कि अधुने हा महाभाग जथैव नरका नरह नानोग्र जात ना नया तन्मे व्याख्या तुमरस। अब आप बताइए, बहुत पाप करने वाला व्यक्ति भी नरक के दुख से कैसे बचेगा? नरक में जाना पड़ता है पाप करने के कारण, लेकिन क्या कोई उपाय है कि पाप करने वाला भी नरक में नहीं जाएगा? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अद्भुत उत्तर देते हैं। नरक से बचने के पहले वे नरक में जाएगा मनुष्य, इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो वे उत्तर देते हैं, न चेदवा प्रचितिम जथांघस कृतस्य कुरियान मनोक्ति पाणी भी सवय सवय ध्रुवम प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता में भौतस्तिक में जातना। हे राजन, मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है, जिनमें अतिशय तीव्र यातनाएं हैं, अतिशय दुख हैं, उन नरकों में वह व्यक्ति निश्चित जाता है जिसने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। पापों का प्रायश्चित नहीं किया है तो ध्रुवम स्वयं प्रेत नरकानुपैति, निश्चित ही वो नरक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् पुरेश्वास्पृहन्प्याप निष्कृतौ जतेत मृत्योरभिपद्यतात्मना। इसलिए तस्मात् पापों का जितना जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पुरेश्वाविह पूरा एवं, मरने से पहले कोई भी पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं पूरा एवं, पहले ही, मरने से पहले, बुढ़ापा से पहले पूरा एवं आंसू, और वह भी जितना जल्दी हो सके। पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे रोगों का कारण समझने वाला वैद्य रोगों के कारण को समझ करके और रोग के अनुसार दवा देता है, उसी तरह से बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित और छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक निश्चित है। यह एक प्रकार से परीक्षित महाराज की परीक्षा थी। यह ठीक मान लेते हैं कि नहीं, लेकिन परीक्षित महाराज परम बुद्धिमान थे। वे तुरंत सुखदेव गोस्वामी की बात को निराकृत कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये प्रायश्चित की बात आपने कहा, ये तो ठीक नहीं है। इस संसार में देखा गया है, कोई व्यक्ति जानता है कि यह पाप करने से हमें नरक मिलेगा या हमें दुख होगा, जानते हुए भी, अपना अहित जानते हुए भी उसी पाप को फिर करता है, तो प्रायश्चितम अतो अतो पार्थम मन ने कुंजर शौचवत। मैं तो प्रायश्चित को हाथी स्नान के समान व्यर्थ मानता हूँ। सुखदेव जी ने कहा था कि प्रायश्चित करना चाहिए, और परीक्षित महाराज कह रहे हैं प्रायश्चित बेकार है। प्रायश्चित करने पर भी पाप की वासना रह जाती है। श्रुति स्मृतिभ्याम विहितम व्रतादयः पुनन्ति पापानि न लुलन्ति वासना। श्रुति में और स्मृति ग्रंथों में बहुत से प्रायश्चित बताए गए हैं, लेकिन ये पाप को खत्म कर देते हैं, परंतु पाप करने की वासना को खत्म नहीं करते हैं। इसलिए मैं प्रायश्चित को व्यर्थ मानता हूँ। कोई दूसरा उपाय बताइए। जो सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि उनका शिष्य उत्तीर्ण हो गया परीक्षा में, तब वे इस श्लोक को बताते हैं, नाशनतः पथ्यमेवानम पथ्यम एव अन्नम। जो व्यक्ति पथ्य भोजन करता है, जो वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य के लिए उचित है, वही भोजन केवल करता है, खाता पीता है, तो उस व्यक्ति को आधय शरीर के रोग न अभिभवंती, अभिभूत नहीं कर पाते हैं। पथ्यम एवं अश्नतः पथ्य का ही भोजन करता है, जो खाना चाहिए वही खाता है और उतना ही खाता है, इसको पथ्य कहते हैं। पथ्य और कुपथ्य ये बहुत सुंदर बात है। सुखदेव गोस्वामी वैदिक शास्त्र के अनुसार भी बोल रहे हैं, सबको जानना बहुत आवश्यक है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा जानते हैं कि खाना हमारा काम है, कितना खाएंगे ये माप नहीं है, तो बहुत पेट चाड़ करके खा लेते हैं, तो वे बीमार तो होंगे ही। या खाने के बाद क्या करना चाहिए इसको भी नहीं जानते हैं, खाने के बाद बहुत कड़ी मेहनत करते हैं या बहुत घंटा तक सोए रहते हैं, इससे भी रोग हो जाते हैं। और कैसे खाना चाहिए, छोटा छोटा कवर लगाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब यह नहीं है कि आधा घंटा में खाना है तो 4 घंटा लगा दो, चबा चबा कर खाना चाहिए और छोटा छोटा कवर लगाना चाहिए। अस्तोकम अस्तोकम ग्रसित ग्रासम, ऐसा कवर नहीं लगाना चाहिए कि अब दांत काम भी ना करे, जबड़ा भर जाए। और बिना चबाए निगल जाए तो रोग होगा ही। इसीलिए पहले पथ्यम एवं अन्नम कह रहे हैं सुखदेव जी। जो व्यक्ति पथ्य भोजन करता है उसको आधयः न अभिभवन्ति, रोग अभिभूत नहीं कर पाते हैं। एवं इसी प्रकार नियमकृत राजन, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, जो व्यक्ति नियमकृत नियम का पालन करता है तो वह क्रमशः क्षेमाय कल्पते, स्वस्थ हो जाता है। स्नेह का अर्थ धीरे धीरे नहीं है, क्रमशः है, वो क्रमशः ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ये नियम है कि पाप को पाप समझ लेना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उससे सदा शुभ कर्म करना चाहिए। तो असली प्रायश्चित है विमर्शन, प्रायश्चितम विमर्शनम, ज्ञान। विमर्शनम का अर्थ है ज्ञान। व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करने लायक काम को नहीं करता है, करने लायक काम को जरूर करता है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है। परंतु यह ज्ञान कैसे होगा उसके लिए उपाय बताते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण समय न चा दमे न चा, तपस्या, तपस्या से ज्ञान स्थिर रहेगा। ज्ञान हो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। ज्ञान को प्रिजर्व करने के लिए तप बहुत जरूरी है। तप का अर्थ है मन और इंद्रियों का एक जगह पर एकाग्र होना, मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाग्र्यं तपः। जो कार्य करना है उसमें ही मन लगा रहे और इंद्रियां लगी रहें, इसको तप कहा गया है। जैसे भगवान का जप करना है तो मन भी लगा रहे वहीं और इंद्रियां लगी रहे, जैसे जीवा लगी रहे, हाथ लगा रहे, पैर लगा रहे, आँख लगी रहे, सभी इंद्रियां। जब उचित कार्य में स्वधर्म में लगी रहती हैं तब इसको तप कहा गया है। ब्रह्मचर्येण, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई हो, ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है। ऐसा लोग समझते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको ब्रह्मचर्य रहना कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थों के लिए भी उतना ही आवश्यक है ब्रह्मचर्य जितना सबके लिए सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए। अपने शरीर में सबसे बड़ी शक्ति है वीर्य। वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है तो व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आती है, स्मरण शक्ति आदि। तो अपनी इस शक्ति को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मनमाना वीर्य को प्रवाहित करता है वो कभी भी सुख शांति की आशा नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं उस परम सत्य को पाने के लिए, मुझको पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो सबके लिए यह कार्य बहुत आवश्यक है। आठ प्रकार का मैथुन होता है। मन से किसी स्त्री का चिंतन करना या स्त्री के द्वारा पुरुष का चिंतन होना, वाणी से बोलना या आँख से देखना, किसी भी ब्रह्मचारी के लिए यह नियम बनाया गया है शास्त्र में, कभी किसी स्त्री को देखना नहीं और बात करना तो बिल्कुल दूर। आजकल प्रायः यह देखा जाता है कि ये ब्रह्मचारी लोग बात नहीं करते हैं लेकिन फोन में हमेशा बात करते रहते हैं। तो यह पतन है एक प्रकार का, भूल करके भी ये काम नहीं करना चाहिए। कभी किसी स्त्री से बात करना, देखना या मन में संकल्प करना मन में सोचना कि हम उससे बात कर रहे हैं, सोचना भी एक प्रकार का संग ही है। तो इस तरह से अपने को बचाना चाहिए और स्त्रियों को भी पुरुषों के संपर्क से बचना चाहिए। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, सबके लिए यह परम आवश्यक है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन, मन की शांति रखना, इंद्रियों को वश में रखना। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्याग सत्य भाषण और शौच पवित्र रहना। जमेन नियमेन च, यम का पालन करना, नियम का पालन करना। यम में यही सबसे बड़ा दृढ़ है, ब्रह्मचर्य का पालन। कभी भी वीर्य क्षरण न हो, और गृहस्थ है तो केवल ऋतु काल में अपनी विवाहिता पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए सहवास कर सकता है, संतान उत्पत्ति के लिए। और व्यर्थ स्त्री संग नहीं करना चाहिए। वो अपनी आत्महत्या से भी बढ़ करके है। आत्महत्या करने वाला तो एक बार मर जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का हनन करने वाला व्यक्ति अनेकों बार जन्म लेगा, अनेक योनियों में, और फिर मरेगा, दुख भोगेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। यम में सबसे पहला यम है जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, नो इलिसिट सेक्स। और नियम में सबसे पहला, सबसे प्रधान नियम है स्नान, आपलव, नहाना। नहाना, स्नान करना, और फिर भगवान के सामने होना, जप करना, कीर्तन करना, ये सब नियम है। नियम पालन होना चाहिए और यम का पालन भी होना चाहिए। त्यागेन, और त्याग करना चाहिए। व्यक्ति के पास अपने आप ये प्रकृति की व्यवस्था है, कुछ धन का संचय हो जाता है, तो धन को देते रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। इसको त्याग कहते हैं। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना एक बड़ा गुण है। सत्य बोलना चाहिए, इसका मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा सोच सकता है झूठ बोलने से क्या हानि है, लेकिन बहुत बड़ी हानि है। अपने इंद्रिय की दशा बिगड़ जाती है, वाणी का अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का, और मन गंदा होता है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। तो सत्य बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। और शौच, शुचि रहना, पवित्र रहना। बाहर और भीतर सब ओर से। भगवान के नाम कीर्तन द्वारा, कथा श्रवण द्वारा मन की शुद्धि होती है और बाहर की शुद्धि तो साबुन से कपड़ा धोना और घर द्वार साफ रखना, वस्त्र साफ रहे, घर साफ रहे और शरीर साफ रहे और इसके साथ मन साफ रहे। तो मन साफ होता है भगवान के स्मरण से, नाम कीर्तन से। तो सदा भगवान का जप करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, त्यागेन सत्य शौचाभियान। पर यह भी बहुत कठिन है, ये बड़े बड़े पाप जल जाते हैं इससे। कैसे बेड़ू गुल्म मिवा नला, जैसे आग बांस के बन को, झुरमुट को जला देती है, आग लगने पर जंगल में वृक्ष जल जाते हैं, बांस का झुरमुट भी जल जाता है। ऐसे कितना भी पाप हो खत्म हो जाएगा, जैसे आग लगने पर जंगल जल जाता है, उसी तरह से ये सब कार्य करने पर, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, त्याग करने पर और यम नियम का पालन करने पर बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। परंतु कैसे जैसे आग लगने पर बांस का बन जल जाता है, लेकिन बांस के जो जड़ है, मूल है, वो नहीं जल पाते हैं। तो पुनः वर्षा ऋतु आने पर उनमें नए नए अंकुर उगने लगते हैं। इसी प्रकार से पाप तो जल जाते हैं, लेकिन पाप की जो वासना हृदय में रहती है, इच्छा रहती है पाप करने की, वो फिर से पाप कराने लगती है। ऐसा अवसर आता है, कोई चीज देखने पर, सुनने पर फिर पाप करने की वासना आ जाती है। इसका एक उदाहरण है इसी अध्याय में। एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था जिसका नाम आजामिल था। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धर्म का पालन करने वाला। एक दिन की बात है, वो पिता की आज्ञा से वन में गया। पिता ने आज्ञा दिया, जाओ बेटा वन से कुछ पत्ता तोड़ करके लाओ और कुछ सूखी लकड़ी हवन करने के लिए और कुश, ये सब इकट्ठा करके लाओ। क्या करने के लिए? वो हवन करने के लिए। पिता भी बड़े धार्मिक थे, उन्होंने कहा कि जाओ लाओ। कहाँ भेजे? जंगल में, पवित्र स्थान में, कोई शहर में नहीं भेजे कि जा करके इस स्टोर से, इस दुकान से ये चीज लाओ। वन में भेजे और वो आज्ञाकारी लड़का था, गया वन में पिता की आज्ञा से। इकट्ठा किया फल फूल समिधा कुछ सब ले करके लौट रहा था। लेकर के लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक गलत दृश्य देखा। एक शूद्र, थर्ड क्लास का व्यक्ति था, वो किसी स्त्री के साथ था। वो स्त्री बैड कंडक्ट की थी, उसका आचरण ठीक नहीं था, तो वो शराब पी ली थी। शराब पी करके, और वो शूद्र भी गीत गा रहा था, उसको पकड़ रहा था, उसका आलिंगन किया था। उसके हाथ में, उस वेश्या के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, आंगराग लगा हुआ था। तो वह ब्राह्मण हल्का देखा केवल, तो थोड़ी सी अब देखा, वो ब्राह्मण था ना, उसके मन में ये बात आई कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस काम के लिए आया हूँ। तो जोर लगाया, लेकिन एक बार देख लिया तो उसके मन, वो तो आँख को हटा लिया, आँख से फिर नहीं देखा, लेकिन मन चला गया। वो मन में उसी स्त्री का चिंतन कर रहा था। और सामान रखा, पिता को सामान दिया, और मन लगा हुआ था उसी स्त्री में। उसके पास गया, और ये बहुत धनी व्यक्ति था आजामिल। तो वेश्या को अपने चंगुल में फंसा लिया, या उसी ने इसको फंसा लिया, जो भी हो। फिर उसको अपने घर पर लाया, अपने घर पर ला करके अब उसकी भक्ति करने लगा। मतलब उसके लिए सामान लाना, अच्छा कपड़ा लाना, अच्छा खाने का, कई चीज़ें लाता था। उसके पास धन था, फिर भी वो चोरी करता था, अपहरण करता था, जुआ खेलता था, कई प्रकार से धन का संग्रह करता था। इस वेश्या ने कहा कि वो घर में कौन है। उसकी पत्नी थी, युवती, ब्राह्मणी थी। तो वेश्या ने कह दिया, उसको घर से निकालो यदि हमको रखना चाहते हो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। तो उससे उल्टा के वचन से प्रभावित होकर के आजामिल अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और उसी वेश्या को रखने लगा। तो केवल थोड़ा सा दृष्टि पड़ने से आजामिल उस स्त्री के चक्कर में पड़ गया, और पाप करके उसका मनोरथ पूरा करता था। इस तरह से रहते रहते उससे उल्टा के इस गर्भ से 10 लड़के हुए। दसवें पुत्र का नाम सौभाग्य से वो नारायण रख दिया। वो भी साधुओं के कहने से रखा था, तो नारायण नाम रखा। जिस समय वो कुलटा स्त्री को देखा, तो सोच रहा था कि नहीं चिंतन करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। उस समय कई प्रकार से जोर लगाया। पहला ये था कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर वेद शास्त्र याद कर रहा था कि शास्त्र मना करता है, पिता की आज्ञा है, हमें धर्म में रहना चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म उसे बचा नहीं पाया। वो जोर लगाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चित्त चला ही गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मन को समझाया जाए अगर अपना कुल खानदान देखे, अपनी स्थिति देखे, फिर भी रक्षा नहीं हो पाती है। हम लोग बहुत अच्छी संस्था में हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे विश्व गुरु, जगत गुरु का आश्रय है, फिर भी हम लोग इन विचारों से बचेंगे, थोड़ा बच सकते हैं। हम लोग कोई पाप करने पर ये विचार करें कि मैं इस्कान का हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित संस्था का सदस्य हूँ, भक्त हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब विचार बहुत थोड़ा बचाएंगे। तो बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम भगवान का नाम जपें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे बच जाएंगे। आजामिल को कोई भी धर्म, कर्म या परिवार की भावना बचा नहीं सका, लेकिन जब उसके मरने का समय आया, वह डर करके अपने बेटा को पुकारने लगा। भयंकर जमदूतों को जब देखा तो आजामिल डर गया। डर करके बच्चे को पुकारा। उसको दो तरह का डर था, एक तो हमको ले जाएंगे, और दूसरा डर यह भी था कि बच्चे को ये मारे ना, या बच्चा भी डर जाएगा इनको देख करके। तो इसी डर के मारे वो पुकारा। उसमें बोला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उच्च स्वर से बोला, नारायण आय, हे नारायण आओ। इतना सुनते ही भगवान के चार पार्षद आ गए। बहुत सुंदर थे, पीताम्बर पहने हुए, चार चार भुजाएं थी, और आ करके उन्होंने कहा, चारों ने, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। जमदूतों को डांटे, कहे कि खोलो इसको। तो वे चकित हो गए कि ये इतने सुंदर पुरुष और इतना गलत गलत काम कर रहे हैं, एक पापी को छुड़ा रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो ये लोग बहस करने लगे। ये पापी है, इसको हम लोग ले जाएंगे यमराज के यहाँ, और जमलोक में इसकी शुद्धि हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए ले जा रहे हैं, हम लोग इसके कोई बैरी नहीं हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यमराज की आज्ञा से इसको ले जा रहे हैं। तब भगवान के पार्षदों ने फिर धर्म के विषय में पूछा, और अंत में उन्होंने कहा कि तुम लोग पंडित हो, यमराज जी के यहाँ रहते हो, लेकिन क्या तुमको पता नहीं है कि पाप जरूर होता है व्यक्ति से, परंतु जो व्यक्ति पाप का प्रायश्चित कर लेता है वो नरक में नहीं जाता है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हाँ ठीक है, पर इसने तो अपने पापों का प्रायश्चित कभी किया नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके करोड़ों जन्म का प्रायश्चित हो गया, जब इसने भयवश विकल मन से भगवान का नाम लिया। तो यमराज के दूतों ने कहा, ये भगवान का नाम कहाँ लिया है? ये तो अपने बेटा को पुकारा, हम लोगों को देख करके अपने पुत्र को पुकारा। भगवान का नाम नहीं लिया। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, नारायण नाम किसका है? ये भगवान का नाम है। तो उन्होंने कहा कि नृणाम अबुद्ध्यापि मुकुंद कीर्तनम, कोई मनुष्य बिना बुद्धि के, बिना मन के भी यदि मुकुंद का नाम बोलता है तो उसके पाप सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसने भले पुत्र का नाम लिया, लेकिन वो नाम भगवान का है, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यह परम शुद्ध है, इसको आप लोग नहीं ले जा सकते। तब ये छोड़ करके भाग गए यमराज के दूत। अब वो लोग जा करके यमराज जी से शिकायत करेंगे। तो यह प्रसंग है कि बड़े बड़े धर्म कर्म से पापी की रक्षा नहीं हुई, लेकिन भगवान का नाम बोलने से, और वह भी मन चाहे जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, पर केवल भगवान का नाम बोलने से कल्याण हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में यह प्रसंग बहुत क्लियर है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में, किसी भी तरह से बोला जाए, उससे कल्याण होगा ही। तो ज्ञान से या कर्म से पापों की निवृत्ति प्राय नहीं हो पाती है, परंतु भक्ति से हो जाती है, भगवान के नाम कीर्तन से हो जाती है। यही इसका मुख्य, इस अध्याय का मुख्य तात्पर्य यही है। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में भक्ति की ही महिमा कहे, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती काष्णेन निहारमेव भास्कर। कुछ महान भाग्यशाली लोग केवल भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण। यही करना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सुंदर रहते आपने समझाया भक्ति। महाराज जी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि एक श्लोक बताया, बहु नाम, जो ज्ञानी व्यक्ति है वही, वो भी अपने मन से भी भगवान को जानने का प्रयास करता है, लेकिन अगर वो नियम को पालन करता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, ये ज्ञानी व्यक्ति जो है केवल ये मेंटल स्पेकुले, जो ज्ञान मार्ग में निराकार वादी है, वो जब वो उसका शुद्धिकरण नियम पालन करने से हो सकता है। तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है और भक्ति योग में अगर वो ज्ञान भक्ति योग का ज्ञान लेकर भी वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसकी भी शुद्धिकरण होती है। लेकिन यहाँ भगवान क्यों ऐसा बोलते, बहु नाम जन्म नाम अंते। यदि कोई भक्ति भी करता है और भक्ति का भी ज्ञान लेता है तो क्या भक्ति का ज्ञान से भी उसे बहु नाम, बहुत बहुत जन्म लेना पड़ता है? नहीं, भक्ति तत्काल फल देती है। जैसे आजामिल केवल भगवान का नाम लिया, वो भी पुत्र का नाम, लेकिन वो जंपा से मुक्त हो गया और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति करने लगा। वो भगवान के पार्षदों का प्रवचन सुना तो उसके बाद वो उज्जैन से नहीं कन्नौज से हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में गंगा जी में रोज स्नान करता था और भगवान का नाम रटता था। तो 15 वर्ष में फिर भगवान के पास चला गया। भगवान के वही पार्षद फिर आए विमान लेकर के। जजो जत्र श्रीयपति, जहाँ श्रीपति रहते हैं वैकुंठ में, वहाँ चला गया, मुक्त हो गया। ये भक्ति प्रत्यक्षावगमन, ये प्रत्यक्ष फल देती है और बहुत जल्दी। अनादि काल से जीव जन्म मरण में फंसा हुआ है, वो 15 वर्ष में केवल वैकुंठ चला जाए, कितना जल्दी ये है। ये प्रसंग बार बार पढ़ने पर समझ में आती है बात। ज्ञानी को बहुत भटकना होता है और नियम पालन भी नहीं हो पाता है। वो भी ज्ञानी था आजामिल, पर ज्ञान काम नहीं किया। वो पिता की आज्ञा से वन में गया था, पर उसका धर्म वेदाध्ययन काम नहीं किया। काम कौन आया? भगवान का नाम। ये तो स्पष्ट है। जब वो वन में गया, वहाँ एक कुलटा को देखा और फिर गिर गया। तो फिर जो लोग टीवी देखते हैं उसमें तो नित्य ही केवल स्त्रियों को देखा जाता है ना, वो भी शौक से देखते हैं, बैठ करके देखते हैं, कई घंटा देखते हैं। ये कैसे बचेंगे? तो अच्छा ये है कि टीवी घर में ही ना रहे, कभी देखे ना। उसमें चाहे कथा आवे या चाहे कुछ भी आवे, लेकिन कचरा तो भरा ही रहता है, कभी नहीं देखना चाहिए। एक बार देखने वाला आजामिल गिर गया। तो निरंतर ये सब देखने सुनने वाला व्यक्ति कैसे बचेगा? सब समय भगवान का नाम बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा, आपने बताया कि पापी और पुण्य के बारे में अलग अलग, पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित बताए, तो थोड़ी आप उसके ऊपर हमको थोड़ा बताएं। अलग अलग पापों के लिए क्या क्या अलग अलग प्रायश्चित होते हैं, प्रतिक्रमण? जैसे उदाहरण दिया सुखदेव जी ने, यदि कोई बड़ा रोग है, इनक्योरेबल है, बड़ा रोग है तो बड़ा उसके लिए उस प्रकार की औषधि चाहिए। और छोटा रोग है, जैसे सर्दी हो गई है, छोटा रोग है तो कोई एक आध टैबलेट से काम हो जाएगा, है ना डॉक्टर साहब? लेकिन बड़ा रोग है तो उसके लिए बड़ी औषधि चाहिए, समय चाहिए, तब ठीक होता है। ऐसे ही कोई कोई बड़ा पाप है जैसे मनुष्य की हत्या बड़ा पाप है, सरकार भी उसके लिए दंड देती है। मनु महाराज ने तो यह कहा है कि कोई मनुष्य की हत्या करता है उस व्यक्ति को फांसी दे देना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है उन्होंने, मर्डर करने वाले व्यक्ति के शुद्धि के लिए यही उपाय है। यदि इस जीवन में उसको दंड नहीं दिया गया मृत्यु दंड, तो फिर कई बार उसे जन्म लेना पड़ेगा और अनेक दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए उसको दुख से बचाने के लिए फांसी दे देना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। अगर राजा किसी पापी को दंड देता है तो उसे फिर यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अगर नहीं दंड दिया राजा, किसी प्रकार से बच गया पाप करने वाला व्यक्ति, तो उसे यमराज तो छोड़ेंगे नहीं, कई जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं जितना जल्दी प्रायश्चित करना चाहिए। रोग पहले कमजोर रहता है अंकुर के समान, तो उस रोग को शुरू में ही चिकित्सा की जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो वृक्ष हो जाएगा, जब उसकी जड़ें फैल जाएंगी, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा, तो उस समय उखाड़ना कठिन हो जाता है। इसी तरह से कोई पाप पहले कमजोर रूप में रहता है, फल उसका कमजोर रहता है, लेकिन जब वो पाप बहुत देरी तक रह जाएगा तो उसका प्रायश्चित होना कठिन होता है। इसीलिए मरने से पहले जितना जल्दी हो पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। और पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा यही है कि भगवान से माफ़ी मांगना, भगवान का नाम जपना, यही सबसे बेस्ट प्रायश्चित है। हरे कृष्ण महाराज। और जल्दी से जल्दी अभी माला उठाना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। माला नहीं भी लिए तो बोलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये विश्वास कीजिए, यह प्रसंग भागवत में स्पष्ट संकेत करता है। किसी भी तरह से भगवान का नाम आना चाहिए जीव पर। भगवान के अनेक नाम हैं, गोविंद, हरि, राघव, मधुसूदन, कोई भी नाम आवे वो आना चाहिए भगवान हमारे जीव पर, इससे कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखदेव जी यही बात कहे, भगवान के पार्षद यही बात कहे, और यमराज जी भी यही कहे हैं। वे तो अपने दूतों से कहते हैं कि हे पुत्रों, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा देखो कि आजामिल जैसा पापी भी तुम लोगों के चंगुल से मुक्त हो गया। कितनी बड़ी बात यमराज जी खुद कह रहे हैं। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का ये तो यमराज के दूतों के सामने घटना हुई है ना। तो आजामिल भी जमपात से मुक्त हो गया। ये भगवान के नाम उच्चारण की महिमा देखो। अगर तो किसी भी तरह से उच्चारण होना चाहिए। यदि आदमी रास्ते में जा रहा है, पैदल जा रहा है या कार से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, फिर भी धीरे धीरे नाम का उच्चारण कर सकता है। सवेरे कर सकता है, शाम को कर सकता है, लेटते समय, सोते समय, जब सोने जा रहा हो उस समय भी भगवान का नाम ले सकता है, जगने पर नाम ले सकता है, खाते पीते समय भी नाम ले सकते हैं, खाइते पीते जथा तथा नाम लाए। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खाइते सुईते जथा तथा नाम लाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खाते समय, सोते समय, किसी भी दशा में भगवान का नाम बोलना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान होने से सर्व कर्म नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी भागवत में बोले कि क्वचित कवलया भक्त्या, भक्ति करने से सब हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ भगवद गीता में बताते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सारे कौन से ज्ञान होने से हमारा जो कर्म नष्ट होता है वो मालूम नहीं, थोड़ा बताएंगे तो ठीक। भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में जब ज्ञान होगा तब, लेकिन वो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ये सब इतना नियम पालन कौन कर पाएगा। तपसा ब्रह्मचर्य समय न चा दमे न चा, ये सब करने पर तब ज्ञान उदय होता है। जो सबसे अच्छा है भक्ति, भगवान का नाम। अब ज्ञान के फेर में क्यों पड़े हैं। इतना सुनने के बाद भी अब तो भगवान का नाम लेना चाहिए, अब ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। महाराज दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक प्रश्न था कि हरि नाम का महिमा हम इतना बार बार श्रवण करते हैं, सभी ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, साथ में कुछ ग्रंथों में अपराधों के बारे में भी वर्णन किया गया। जैसे हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर अपराध युक्त नाम कोई करे तो उनको जो भी भौतिक इच्छाएं हैं सब पूर्ण होंगे और साथ में अंत में उनको नरक जाना पड़ेगा। तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा ये उन्होंने नहीं कहा है। अपराध युक्त नाम नहीं, ये कहे कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति कठिन हो जाएगी, लेकिन नरक से तो आदमी कैसे भी बच जाएगा। किसी तरह से नाम ले तो नरक से बच जाएगा। यही यमराज बताए नहीं। इस प्रसंग में क्या वर्णन है, वो कौन सा अपराध नहीं किया आजामिल। भगवान का नाम लिया तो पुत्र का नाम लिया ना। उसका मन तो यही था कि हमारा बेटा आवे, और आ गए नारायण के पार्षद। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने यह कहा है कि यदि अपराध युक्त नाम लेंगे तो भगवत प्रीति का उदय होना कठिन होगा, लेकिन यमराज के बंधन से तो मुक्त हो जाएंगे किसी भी तरह से, भगवान का नाम लेंगे तो। यही बात बताई गई है यहाँ, किसी भी तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो महाराज मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई अपराध युक्त नाम करे पर भगवान की के प्रति प्रीति या प्रेम उत्पन्न करने की इच्छा तीव्र नहीं है, तो फिर भी हम सुनते हैं कि उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब मेरा प्रश्न है कि कौन सा प्रबल है कि हमारी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, हमारी इच्छा प्रबल है कि नाम का उच्चारण प्रबल है? क्योंकि दोनों का ही महत्व यहाँ समझ में आता है। सब प्रकार से जो देखने पर भगवान के नाम की महिमा अधिक है, किसी भी तरह से उच्चारण होना चाहिए। अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए भी भगवान का नाम ही आधार है। नाम लेने से ही हमारी इच्छा भी शुद्ध होगी। यही उपाय है। हेलो, अपने भारत देश में ऐसा प्रचलित है कि पूर्वजों के नाम से दान दिया जाता है। कोई भी मंदिर में या धर्मशाला में या हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये प्रथा से वो पूर्वजों की सद्गति हो सकती है अगर अनुज उसका यहाँ दान करता है तो? हाँ, होती है। जब शास्त्र कहता है तो पूर्वजों के नाम से दान दिया जाए तो उनकी सद्गति होती है। इस विषय में कई उदाहरण हैं। जैसे महाराज सगर के पुत्र थे जो जल गए, भगवान कपिलदेव के क्रोधाग्नि से जल गए, लेकिन गंगा जी लाए भगीरथ तो उनका उद्धार हो गया। तो गंगा जी को भी लाए अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, और गंगा जी के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। और जो आगे भी होंगे वे सभी, जैसे हम लोग, सब मुक्त होंगे ही, गंगा जी का प्रभाव है। ऐसे ही पूर्वजों के लिए अगर कोई धर्म किया जाता है, दान किया जाता है, तो उससे उनकी मुक्ति होगी ही। या उन्हें स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से पूर्वजों के लिए या पश्चात जन्म लेने वाले के लिए दान करना ही चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जन्म लिए तो नंद बाबा दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, तो बच्चे के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए दान दिए, और सभी गोप अपने अपने घरों में दान दे रहे थे ब्राह्मणों को, क्योंकि कृष्ण को सब अपना पुत्र मान रहे थे। तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है यदि उसके निमित्त दान दिया जाता है। तो पूर्वजों के लिए भी दान दिया जाता है तो उनकी सद्गति होती है। भागवत का श्रवण कराए गोकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए, धुंधकारी की मुक्ति के लिए, और मुक्त हो गया। सबके सामने विमान आया वैकुंठ से। उस समय गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया भगवान के पार्षदों से, यहाँ तो इतने लोग भागवत सुन रहे हैं, केवल एक व्यक्ति के लिए विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप दूसरी बार करेंगे भागवत तब सबको ले जाएंगे वैकुंठ। लेकिन इसमें कारण हो गया कि एक के लिए विमान क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि इसने पूरा मनोयोग के साथ सुना है भागवत, मनन किया है 7 दिन, और लोगों ने मनन नहीं किया। तो यह सुन करके जब दूसरी बार भागवत हुआ तो सब लोग अपने मन को एकाग्र करके सुनते थे और मनन किए, तो फिर वैकुंठ चले गए। तो गोकर्ण जी के भागवत से सब लोग मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार से भागवत एक परम भक्ति है, शुभ कर्म है। तो उसे दान देना एक शुभ कर्म है। जेन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। किसी भी निमित्त से दान दिया जाए वो कल्याण करता ही है। अतः ये सब काम करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं साफ यज्ञ दान सत्कर्म सब करना ही चाहिए। न त्याज्यम इति कार्य में वो तत् करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो शास्त्र कहता है वो बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए भारतवर्ष में हम सनातन धर्मियों में बात प्रचलित है, चोरी से हानि होती है, दान से कल्याण होता है। दान करना ही चाहिए। अच्छा, हरे कृष्ण।